कासु कैसा रहा आपका स्कूल? अच्छा। कैसा लगा आज? हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। और कल जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोग सबके सब गए थे काशी वैदिक को स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। आज उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ऑफिशियली हो चुका है, तो आज प्रॉपर ड्रेस में देखो भाई काशु को, दिखाओ अपनी ड्रेस दिखाओ। Yes. सीधा जाओ, सीधा पीछे से कैसे घूम के दिखा रहा था अभी तो दादी को। हाँ, तो ये ड्रेस है, मुझे ऐसा लग रहा कुछ कुछ सेम पहले जैसी ही है उसकी ड्रेस, चेक में और प्लेन उसका जो ड्रेस होती है। yes. प्लस कल मैंने आपको लास्ट काजू खराब हो गया। कहाँ हुआ खराब? सीधी तो है। नहीं बच्चा सही है, ठीक है भैया, इसको तो बहुत रहती है अपनी ड्रेस की। तो जैसे कि लास्ट मैंने दिखाया था रात में कि मैं कवर्स लगा रही हूँ, तो वही आज इसको स्कूल में भेजा है। ये देखो इस तरीके का, और ये इसकी डायरी। अब से प्रॉपर पढ़ाई शुरू बच्चा। ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ये आपकी बॉटल, और सब में नाम मेंशन है। हाँ, और लंच बॉक्स में क्या है? घिया की सब्जी, जैसे कल आलू की दी थी ना, घिया की है। और यहाँ पे एप्पल है और ये पराठा है। ये आलू से भी टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, ऐसे वहाँ खा लेना। यहाँ पे चम्मच रखा हुआ है मैंने। बाय बाय कर दे। बाय बाय बाय। चल नंदो। और अभी हम आ गए हैं काशी और वैदिक के स्कूल, बस इनको छोड़ते हैं और फिर चलते हैं वापस घर। काशी जा चुकी है स्कूल और शंभू मेरे पीछे पीछे। और पता है कल शंभू को ना चोट भी लग गई यहाँ पे, ये देख, और काफी ज्यादा लगी है। मतलब मुझे तो एक खरोज भी आती है ना बच्चों को, तो मेरा दिल तो ऐसा हो जाता है, पूछो मत, अजीब सा ही होने, जैसे कि बच्चे हैं लग जाती है चोट, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है हर चोट में कि यार इसको कैसे लग गई। मैं बहुत देर तक वही सोचती रहती हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लेती, ऐसा कर लेती, तो शायद चोट नहीं लगती। तो मुझे ऐसा हो जाता है, शायद सबके साथ होता होगा कि नहीं होता होगा वो मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो मोस्टली होता है कि मैं सोचने लग जाती हूँ यार कि मैं बचा सकती हूँ। अब उसके चेहरे पे अजीब सा इतना सा लंबा सा डर लग रही है, कहीं निशान ना रह जाए। हाँ अरे हाँ हाँ हाँ, अब वो मुझे कह रही है कि पकड़ो गोद में, और मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी। आज बना रही हूँ मैं मंडवे की रोटी और पिंड आलू। चलो, ये बनाने नहीं देती मुझे ना, ऐसे ही करना पड़ता है, बार बार गूंद के रख के फिर उसको पकड़ना पड़ता है। फिर वो गए हैं अभी काशी को छोड़ने के लिए, तो करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। तो ये जो अभी कैप है, कैप नहीं, मैं हैट बोलूंगा, ये मैं लेके जा रहा हूँ काशी के लिए, क्योंकि बाहर थोड़ी धूप हो गई है। दोस्तों दिन के बज रहे हैं 1:30, और मैं और शंभू यहाँ पे वेट कर रहे हैं काशी का, जिसको लेने के लिए उसके पापा गए हुए हैं, और बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। अरे यार मैं जब देख रही हूँ ना शंभू भाई, तो क्या बोलूँ आगे। तो दोस्तों ऐसा है कि वेट कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों बाद ना हम उसकी ना वैन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से जितने भी बच्चे जा रहे हैं सबके सब वैन लगाने के लिए कह रहे हैं, तो वैन लगा देंगे तो अच्छा भी हो जाएगा। वैसे मैं चाहती थी 1 मंथ बाद लगाऊँ, बट वो है ना बुकिंग हो जाती है पहले से ही, और अगर मैंने अभी नहीं लगाई तो कोई और बुक कर लेगा उसको, तो सीट रिजर्व हो जाती है। तो इसीलिए अभी जब सब बच्चे लगा रहे होंगे तो अब हम भी लगा लेंगे, तो कुछ तो फिर काशी वैन से जाया करेगी, और नन्नू भी, क्योंकि नन्नू की अभी टाइमिंग थोड़ी सेम मॉर्निंग का तो सेम है, पर छुट्टी उसकी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए अभी नन्नू का कन्फर्म नहीं है, बाकी काशी तो वैन से जाएगी। फिर मुझे लगता है काशी आ रही है, ये देखो काशी आ रही है। आज काशी का न्यू स्कूल में 3rd डे था। हाँ मेरा बच्चा टोपी लगा के, इसको हैट लगा के भेज दे क्योंकि धूप बहुत हो रही है ना, मतलब आते वक्त बनाते हैं। ये मेरा काशी, हेलो काशी। हाँ क्या क्या काम किया है? हो कैसे बता। अब काशी की पिटाई होगी, आ जरा तू ऊपर। आपने बॉटल तोड़ दी और हंस के बता रहे हो क्यों?
कैसे दौड़ी इसने? आसानी है मैम ने बताया। कहाँ जा रहे हो? ऊपर जाना होता है आजकल। हाँ आजकल तो कुछ नहीं, बस सीधा ऊपर। चलो चलो खाना खाएंगे। कासू कैसा रहा आपका स्कूल? अच्छा। कैसा लगा आज? अच्छा लगा। बच्चे कितना झोला लगता है, बिल्लू बच्चे कितनी फ्रेश लगती है छुट्टी के बाद भी। मेरा बिल्लू दिखा दिखा मेरे को, तो दिखा दो। ओ बेटा तेरे वजह से आज हम भी आ रहे हैं इसमें। इतना मासूम है तू। दोस्तों हो चुका है इवनिंग टाइम और इवनिंग टाइम में बज रहे हैं अभी 8। तो डिनर करने वाले हैं हम। उससे पहले काशी जिद करने लगी कि ये वाला गिफ्ट क्यों नहीं खुल रहा है। काफी दिनों से अंदर कमरे में रखा हुआ था। तो कासू अभी क्या कह रहे थे, कैसे सुला रहे थे आप? कैसे सुला रहे थे, जरा सुलाना। अभी पता गाना गा रही थी उसके लिए। देखा कह रही मेरी बच्ची सो जा, मेरी बच्ची सो जा। तो चलो दोस्तों इसको करते हैं अनपैक और देखते हैं ये कैसे चलता है। 1% ज्यादा बोल दिया मैंने, 0.01% भी नहीं हुआ, क्योंकि आपकी डेस्टिनी है, इसको पूजा पाठ से आप नहीं चेंज कर सकते हो। चलो बाबू और सबसे पहली खांसी देखो क्या होता है। आज उसे तो खोलेंगे। तो नेचर है वो, आप चेंज कर सकते हो। अरे ऐसे फाड़ना नहीं उसे, अब मेरी वीडियो बनाओ। क्या करने लग जाए दूसरे के मन की है। कह रहे 100 पीस के लिए सही है। सही में 100 पीस के लिए बहुत अच्छा है। जैसे बच्चों का इसका दुद्धू होगा, इसी में ही होगा नहीं है। हाँ ये री बॉटल सही है, ये गाँव से भी ये री बॉटल ले लो। तो उसको दुद्धू पिलाओ, शायद मुंह में रख के कुछ बोलेगी है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि प्रेस माई स्टमक आई विल स्पीक हेलो आई ड्रिंक पी ओ। अच्छा तो सब कुछ बताती है वो। तो देखो दोस्तों चलने लग गया ये। दूध दे दो, दूध मांग रहा है काशु। दूध दे दो, दूध दे दो, हाँ दे दो, दे दो। हाँ उसको भूख लगी है ना। हाँ दूध मांग रहा हो, दिखाओ उसके मुंह में डालो सही से। हाँ ठीक है, पी लिया उसने। पिला दो उसे, पिला दो दूध को। मेरा सब कैसे देख रहा है। देखना इसको, देखना कितना रहता है यार बच्चों को। ये देखो इसको दूध पिला रही है, गोद में वैसे ही पकड़ रखा है ऐसे जैसे शंभू को पकड़ती हूँ मैं, और जैसे कभी मैंने आपको आपको पकड़ा था जैसे कभी। आपको मम्मी पिलाना उसको मम्मी। तो यहाँ पे बेबी रो रहा है और दोनों की दोनों बहनें उसको चुप करा रही हैं। ये देखो तो तेज झुलाएगा तो और रोएगा वो। धीरे धीरे बच्चा, बेबी है ना, स्लोली स्लोली। क्यूट है, अच्छा है बहुत। रहता है मेरा बच्चा, वेट करता है अपनी बारी का कि मेरे को भी देंगे। कभी ऐसा नहीं करती कि हाँ रो रही है या छीना छप्पी कर रही है, कभी नहीं। वेट करती है कि मुझे मिलेगा खेलने के लिए। कासू दो उसको भी दो। दोस्तों बज चुके हैं 9 और ये टाइम हो गया है हमारा खाना खाने का। और काशी को मैं आजकल उसको होमवर्क नहीं मिल रहा, जैसे कि नया नया स्कूल स्टार्ट है तो प्रोसेस चल रहा होगा। तो काशी को मैं ऐसे होमवर्क देती हूँ, देखती हूँ इस तरीके से, मतलब एक पिक्चर बना देती हूँ एप्पल और फिर ऐसे करके फिर बॉल ऐसे करके देती हूँ, तो वो लिखती है इसमें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो शंभू कलर्स ले लेती है पूरे, तो उससे बचने के लिए कर रही है। तो ऐसे वक्त देती हूँ, ये मैंने रफ कॉपी खरीदी थी उसकी कि घर पर प्रैक्टिस करा सकूँ। मत चढ़ाओ उसे, अच्छा। तो ये मैंने रफ कॉपी खरीदी थी ताकि उसको प्रैक्टिस करा सकूँ, तो प्रैक्टिस करती है इसमें। और अभी हो गया है दोस्तों डिनर टाइम, और डिनर में जो बना है आज वो हम सभी का फेवरेट, आप लोगों का भी काफी फेवरेट होगा। और वो बना है क्या? वो बना है आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी, हाँ, लड्डू, लड्डू भी, रायता भी, दही, रोटी, सबसे ज्यादा इसके थाली में होता है। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना कि अनहेल्दी, पता है पूरा हेल्दी, 5 प्रकार के आइटम मिलते हैं इसको।